नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज फिर हाजिर दोस्तों आप सभी के सामने एक नए वीडियो में, कुछ नया लेके आपके सामने। काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहे। आज आपके लिए लेके आऊँ दोस्तों मैं एरोंस कंपनी का कोर्डलेस माइक्रोफोन। एरोंस कंपनी का माइक है ये, कोर्डलेस है और कॉलर माइक है ये। मैं इसको अनबॉक्स करूँगा और इसकी फुल रिव्यू दूँगा आपको। इसका जो मॉडल नंबर है दोस्तों UH600 मॉडल नंबर है, एरोंस ब्रांड का है। आ जाओ इसको अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आउटर पैकिंग है इसका। एरोंस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, साथ में इसका UHF600 इसका मॉडल नंबर देखने को मिलता है। तो अब इसको हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों हमें एक सूटकेस भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी हैवी सूटकेस है। अभी इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना बढ़िया शानदार इसके साथ ये सूटकेस हमें मिला है। इसके ऊपर भी एरोंस की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, साथ में इसका मॉडल नंबर भी देखने को मिल रहा है। इस तरह से अनलॉक होगा ये। जैसे मैंने बताया दोस्तों, कॉलर माइक है ये। तो इसके साथ दोस्तों में एक अडेप्टर मिलता है जो कि 12 वोल्ट आउटपुट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, आप देख पा रहे होंगे। सेल मिले हमें इसके साथ, 4 सेल मिले हैं। 2 बैग मिला है दोस्तों इसको रखने के लिए, 2 बैग मिले साथ में। क्वालिटी अच्छी है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। इसके ऊपर भी ब्रांडिंग देखने को मिलती है दोस्तों। और देख लेते हैं, एक वारंटी कार्ड मिलता है दोस्तों साथ में, एरोंस का ही। यह इनका एड्रेस लिखा हुआ है दिल्ली का। दो रिसीवर है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और देखते हैं क्या है, ये अटैच है, अनबैलेंस। साथ में दोस्तों 2 एरियल देखने को मिलता है हमें, नेटवर्क के लिए है। इससे फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी रहेगी और मज़बूत रहेगी। अब दोस्तों बॉक्स निकालते हैं इसका, काफ़ी वेटेड है, हैवी है। यहाँ से इसको निकाल लेंगे बैग से। ये फ्रंट लुक है फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार और यूनिक लुक है। एंटीना जो हमें ज़्यादातर बैक साइड में देखने को मिलता है, यहाँ हमें फ्रंट में ही मिल रहा है। दोनों एंटीना फ्रंट में ही है, दोनों एरियल हम फ्रंट में ही लगाएंगे। सेपरेट दोनों चैनल के लिए हमें मास्टर वॉल्यूम मिला हुआ है और ये ऑन ऑफ का बटन दे रखा है। और साथ में यहाँ एरोंस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और इसका मॉडल नंबर जो है वो देखने को मिलता है। और इसके टॉप पर भी एरोंस इंडिया लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसकी बैक में। तो बैक में इसका UHF का सीरियल नंबर देखने को मिल रहा है, बैलेंस आउटपुट है ए और बी, और साथ में एक मिक्स आउट है अनबैलेंस। और ये इनपुट है फ्रेंड्स, यहाँ 12 वोल्ट इनपुट है। तो काफ़ी अच्छा है, वजन भी ठीक है इसका। तो फ्रेंड्स, आ जाओ इसका कनेक्शन कर लेते हैं। जो एरियल है इसको निकालते हैं। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। जो कि 620 से लेके 690 मेगाहर्ट्ज़ तक वर्क करता है, यानी कि रेंज इसकी बिल्कुल भी छूटने वाली नहीं है। और जो इसका एरिया कवर करता है ये 50 मीटर तक का एरिया कवर करता है। तो 50 मीटर तक के रेंज में आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, 50 मीटर का पूरा एरिया कवर करता है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स हमें एक डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और इस पे भी एरोंस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ सेल डालेंगे जो कि साथ में मिले हमें,
प्लस माइनस और ये ऑन हो गया है। बहुत ही प्यारा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे बहुत ही प्यारा डिस्प्ले है। और कंपनी का ओके टेस्टेड का हमें सील भी देखने को मिलता है। इसके साथ दोस्तों हमें कॉलर माइक भी देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कॉलर माइक है, आप देख पा रहे होंगे। और साथ में फ्रेंड्स हमें हेड माइक भी दिया हुआ है, अगर नेक में आपको लगाना है तो आप इसको लगा के और तब भी आप शो स्टेज पे माइक बोलना या कुछ भी कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये कंपनी ने बहुत अच्छा किया है कि साथ में कॉलर माइक और हेड माइक भी आपको दे रखा है। आपको वायर की क्वालिटी भी ठीक है फ्रेंड्स, कनेक्टिंग पिन जो कि इस तरह से कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट हो गया है। यहाँ ऑन ऑफ़ का बटन देखने को मिलता है, ये ऑफ़ हो गया और इसी स्विच से फिर ऑन कर लेंगे इस तरह। और मैं आगे और दिखाता हूँ आपको, ये दूसरे चैनल के लिए कॉलर माइक मिला है, यानी दो साथ में कॉलर माइक है और दो नेक बैंड है, नेक के लिए दो माइक दे रखे हैं और साथ में दो कॉलर माइक भी दे रखे हैं। ये अच्छी चीज़ है कि दो मिले हमें। सेम दूसरे रिसीवर में भी सेम ऐसा ही है, डिस्प्ले और कॉलर माइक का कनेक्टिविटी। अब एक बार दोस्तों मैं आपको इस रिसीवर को ऑन करके दिखा देता हूँ, इसकी भी देख लेते हैं कैसी क्वालिटी दिख रही है। तो इसके लिए हमें इसका अडेप्टर चाहिए जो कि साथ में मिला है इसके। बारह वोल्ट डीसी अडेप्टर है, क्वालिटी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वालिटी है। मैं आपको इसको भी ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ 12 वोल्ट डीसी अडेप्टर कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे भी डिस्प्ले देखने को मिलता है हमें, साथ में फ्रीक्वेंसी के लेवल भी देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम है ही। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको रेंज चाहिए, जितनी आवाज़ चाहिए उस हिसाब से आप वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल रहा है, पावर बटन में भी लाइट जल रही है। और मैं कुछ बोल के देखता हूँ फ्रीक्वेंसी कैसी कैच करता है ये। हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे मैं बोल रहा हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ रही है। तो फ़िलहाल दोस्तों हमने चैनल नंबर एक पे लगाया है और हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी ब्लिंक हो रही है, लाइटिंग ब्लिंक हो रही है, तो ठीक है। कैचिंग भी काफ़ी अच्छी है, देखो आप देख पा रहे होंगे कैचिंग काफ़ी अच्छी है। हेलो हेलो, वेलकम टू पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स, हेलो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। इसको निकालने के लिए आप पुश बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे फिर निकालेंगे, नहीं तो ये इसमें लॉक हो जाएगा, जबरदस्ती मत निकालना टूट जाएगा। तो दोस्तों आप जानना चाहते होंगे इसकी प्राइस क्या है, तो इसका जो प्राइस है दोस्तों 8,500 रुपये का मिल जाता है मार्केट में आराम से। अगर आपको ना मिले तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट करके हमसे भी मंगा सकते हो। और जो इसकी रेंज है जो 50 मीटर के रेंज में आराम से पूरा कवर करता है। ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह की और नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो में कुछ और नए आइटम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।